राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। अब भले ही यमुना का जलस्तर कम हो रहा हो, लेकिन पानी जिन इलाकों में भरा है वहां के हालात अभी भी खराब हैं। ये है दिल्ली का मयूर विहार, जहां लोग पानी वाले इलाकों से निकलकर राहत शिविर में रह रहे हैं। ये ज्यादातर वो हैं जो यमुना नदी के आसपास रह रहे थे। सर, खाने की तो व्यवस्था हो रही है, मगर पानी कभी कभी आता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अंदर जाके लेके आते हैं, और कल सर पन्नी लोगों ने बांटी थी, जिनके पास हैं उनको दे दी, और हम लोगों के पास थी नहीं। हम सारा सामान लेके आए, पन्नी थी नहीं, बारिश होने हो रही थी, हमें पन्नी नहीं मिली, हम फिर खरीद के लेके आए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम बचे, हमारा सामान बचा है, तो सब कुछ बच गया। सब चीज की बढ़िया सुविधा हो रहा है, बीजेपी वालों ने करवाई है। जिस दिन से हम जंगल से उन्होंने हमें रेस्क्यू किया था, वही लाए थे, और उन्होंने यहाँ कैंप लगा रखा है। खाना पानी बिल्कुल समय पर मिल रहा हमारे लिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये ड्रोन के द्वारा कैप्चर किए गए विजुअल्स मयूर विहार के फेज वन के हैं। मेट्रो के पिलर्स के आसपास पानी, और जहां तक नजर जा रही है वहां तक भी पानी ही पानी दिख रहा है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के आईटीओ का भी है। लोग पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं, पानी में गाड़ियां रेंग रही हैं। खैर, पानी यमुना से कम जरूर हो रहा है, लेकिन दिल्ली के हालात वैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली में आई बाढ़ पर आप नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली वालों के लिए खुशी की बात यह है कि वाटर लेवल लगातार नीचे आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आज रात तक यमुना का लेवल डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है धीरे धीरे हम दिल्ली को कैसे बैक ऑन ट्रैक लेके जाएं। एक तरफ जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनके लिए रिलीफ कैंप्स, उनके लिए रिहैबिलिटेशन का काम हमने अब शुरू करवा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में एक और समस्या है कि अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जिन पे काफ़ी पानी है। हम अभी राजघाट के पास हैं, राजघाट के एरिया में हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। लाल किले के पास पानी भरा हुआ है, ISPT वगैरह के पास पानी भरा हुआ है। तो मैं PWD की पूरी टीम के साथ आई हूँ यहाँ पे इसको रिव्यू करने के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ से पानी को हटा सकें। कोशिश हमारी ये पूरी है कि आज रात को ISPT से लेके ITO तक के पूरे स्ट्रेच पर दिल्ली में PWD के पास, दिल्ली जल बोर्ड के पास जितने मोटर्स अवेलेबल हैं, जितने पंपिंग सेट्स अवेलेबल हैं, उनसे पानी को उठाकर लिफ्ट कर लिया जाए। समस्या बस इतनी है कि कई सारे ड्रेन्स हैं जो अभी यमुना में जा रहे हैं, उनमें वाटर लेवल अभी काफ़ी हाई है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर ड्रेन का वाटर लेवल सड़क के वाटर लेवल से ऊंचा होगा तो फिर वहां पे पंप करना पॉसिबल नहीं होता। पर पूरी टीम यहां पे लगातार लगी हुई है, मैं खुद इस पूरे स्ट्रेच का इंस्पेक्शन कर रही हूं, ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों के लिए सड़कें सारी की सारी हम जल्द से जल्द कैसे खोल सकें। वहीं जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक बाढ़ प्रभावित एरिया में लोगों का आना जाना प्रतिबंधित किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।